हेलो गाइस, स्वागत है आपके एक और न्यू वीडियो में। मैं हूं विशाल वर्मा और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इस वैगनर 2012 का म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स को जानेंगे आज इस वीडियो में, और देखेंगे कि कैसा है इसका म्यूजिक सिस्टम यूज करने में, कैसे आप इसे यूज कर सकते हैं इजीली, और इसके सभी स्विचेस के कंट्रोल मैं बताने वाला हूं क्या किससे क्या यूज में आता है। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने ये कुछ ऐसा कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम होता है वैगनर 2012 में, और यहाँ पर देखेंगे तो ये एक सीडी इंसर्ट का बटन है। यहाँ पर सीडी डालेंगे और इसे दबा के आप उसे बाहर भी निकाल सकते हैं। ये सीडी यहाँ पे डाल सकते हैं आप। तो उस टाइम में सीडी डालने का ऑप्शन आता था इसमें, और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ 87.5 FM 1। तो यहाँ से आप ये FM चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर सीडी का ऑप्शन है, ये सीडी इंसर्ट करने का यहाँ पे बटन दिया गया है, और यहाँ पर ये म्यूजिक के बेस को और ट्रेवेजर को, ये सभी बैलेंस फेड सभी को कंट्रोल करने का है। और यहाँ पर ये USB का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर एडेप्टर लगा के आप इसे यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर जो ये पावर सॉकेट है इसमें आपको कुछ ब्लूटूथ लगाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने अभी लगा रखा है। इसके बारे में भी आपको नॉलेज चाहिए तो मैंने इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है कि आप इसे कैसे परचेज कर सकते हैं। तो उसका लिंक आपको आई बटन में ऊपर मिल जाएगा, आप उसे जाकर देख सकते हैं। और अभी हम यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम पे आते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर QR कोड भी मिल जाएगा आपको, ISI का मार्क मिल जाता है यहाँ पर, क्योंकि ये कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम है। तो इसीलिए यहाँ पर FM का दबा देंगे, यहाँ पर से आप इसे दबाएंगे बटन को ही, तो यहाँ पर जो ये बटन देख रहे हैं, इस बटन को दबाने से यहाँ पे जहाँ पर लिखा आया है FM 87.5 FM, तो इसे दबाऊंगा मैं जैसे ही, तो यहाँ पर म्यूट हो जाता है। इसे दबाएंगे दोबारा से, म्यूट ओपन ऑफ हो जाता है। यहाँ पर ऑक्स का बटन है, यहाँ पर ऑक्स लगा सकते हैं, ऑक्स को दबाएंगे तो यहाँ पर ये ऑक्स का ऑप्शन आ जाता है, FM दबा देंगे। ये है ट्यूनर जिससे आप चेंज कर सकते हैं चैनल्स को, यहाँ पर देख सकते हैं मैं कैसे चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ये है वॉल्यूम का बटन, आप इस डायल को ऐसे घुमाएंगे तो आपका वॉल्यूम ऐसे हो जाता है। बीच में दबा देंगे तो ये कुछ टाइम सेटिंग का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाता है, और ये टाइम सेट कर सकते हैं ऐसे आप, और ये वॉल्यूम का डायल है यहाँ पे। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसके नीचे हैजार्ड लाइट का बटन मिल जाता है, और यहाँ पर आपको ये स्कैन का ऑप्शन मिलेगा, जैसे स्कैन पे दबाएंगे तो यहाँ पर स्कैन होने लग जाएगा। और यहाँ पर RPT का ऑप्शन मिलता है, ये भी आप रिसर्च प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन है, यहाँ से आप एक सजेस्टेड चैनल लगा सकते हैं। तो ये कुछ सिंपल से यूज है। ये मेन्यू बटन भी है वन में, और यहाँ पर डिस्क और DVDs डाल सकते हैं, इसकी डिस्क की जो आवाज है इसे कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर ये मल्टीपर्पज यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन है, टेक्स्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको कुछ ऐसा दिखेगा, और यहाँ पर ऐसे आ जाता है ये FM PM, ये ऐसे आता है, ये आप चेंज कर सकते हैं, पहले से ही सेट कर सकते हैं टेक्स्ट में। और यहाँ पर देखेंगे तो कुछ ऐसा ही ये म्यूजिक सिस्टम मिलता है आपको यहाँ पर, और इतने कुछ ज़्यादा कंट्रोल्स यहाँ पर नहीं मिलते हैं आपको, बिल्कुल बेसिक से फीचर्स हैं, कई बार आपको इनमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैंने इसके लिए आपको ये वीडियो बना के दी है। और यहाँ पर ये ऑटो स्टोर का ऑप्शन है, ऑटो स्टोर पे क्लिक करके आप किसी भी यहाँ पर चैनल को ऑटो में स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि आप उसे पे क्लिक करेंगे तो वही वहाँ से चैनल का गाना बजने लग जाता है। तो ये हैं कुछ बेसिक फीचर्स इसके वैगनर 2012 का, ये म्यूजिक सिस्टम कुछ ऐसे फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है जिससे कि आपको ये हेल्प होती है।
यदि किसी को बेसिक म्यूजिक फीचर्स चाहिए तो वैगनार 2012 में आपको कंपनी फिटेड ही ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें आपको ब्लूटूथ का प्रॉब्लम हो सकता है, तो ब्लूटूथ के प्रॉब्लम के लिए आप इसे कंसिडर ज़रूर कर सकते हैं। आपको सभी फीचर्स समझ में आ गए होंगे, जो भी आपके मन में डाउट था वो भी क्लियर हो चुके होंगे। जल्दी से हमारे 1K होने वाले हैं दोस्तों, तो थोड़ा कोशिश कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, जल्दी से अपना प्यार दिखाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमारे जल्द से जल्द 1K कंप्लीट हो सके। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि मैं और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस ला सकूँ। आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।